आज का हमारा विषय है आदिकालीन परिस्थितियाँ, ठीक है। और मूल रूप से जो राजनीतिक परिस्थिति है, धार्मिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है, इन पर हम बहुत संक्षेप में बिंदुवार बातचीत करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में जो कुछ भी घट रहा होता है उसका पूरा प्रभाव साहित्य के ऊपर पड़ता है। तो आदिकाल की जैसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का प्रभाव आदिकालीन जो साहित्य है उसके ऊपर भी पड़ता है, और पर्याप्त रूप से वो सारे लक्षण, वो सारे प्रभाव, समाज के वो सारे रूप आदिकालीन साहित्य में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही मैं आदिकाल कहता हूं तो वो समय आपके दिमाग में होना चाहिए, संवत 1050 से 1350। उस समय को आप ध्यान में रखेंगे तब राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति इत्यादि को समझना थोड़ा आसान होगा। तो जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो बहुत उथल पुथल से भरी हुई थी। उथल पुथल से भरी हुई होने का कारण यह था बच्चे कि वर्धन साम्राज्य के अंतिम प्रतापी जो शासक थे, सम्राट थे, उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसी भी शासक या किसी भी राजा ने केंद्रीय रूप से नेतृत्व नहीं किया। इस कारण जो राजा थे, राजपूत राजा, वो आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही टकराने लगे, आपस में ही संघर्ष करने लगे, भूमि हड़पने के लिए एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ आक्रमण करके वहां से स्त्रियों को लाने के लिए। तो ये जो संघर्ष थे वो बढ़ने लगे। इस कारण क्या था कि भारत की जो संगठित सत्ता थी, जो ताकत थी, वह कमजोर होने लगी। और आप ये बात जानते हैं कि जब आपस में ही आप लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी ताकत क्या हो जाएगी, शक्ति क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गया या जयचंद हो गए, ये जितने भी राजपूत हिंदू राजा थे ये आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे और अपनी ही ताकत को क्या करने लगे, कमजोर करने लगे। और ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे कि 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारत पर बड़े सारे आक्रमणकारी आए, ठीक है। पूरा जो समय था वो आक्रमणकारियों का ही एक तरह से रहा 15वीं शताब्दी तक अगर आप देखते हैं। उसके बाद तो अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यवनों, तुर्कों, अरबों और मुगलों का आक्रमण भारत पे होता रहा, ठीक है। और उन्होंने भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसका पुरजोर फायदा उठाया, ठीक है। और धीरे धीरे आपने देखा कि बाद में आगे चल के इस्लाम की नींव पड़ी, कैसे इस्लाम का शासन यहाँ स्थापित हो गया और लंबे समय तक मुगलों ने यहाँ पे अपना शासन तंत्र चलाया। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसमें बहुत मारा मारी थी, कोई एक ऐसा नेतृत्व तो नहीं था जो सबको संगठित कर सके और सबको साथ लेकर के चल सके। और सभी रजवाड़े जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे और जाहिर सी बात है अपनी अपनी ताकत कमजोर कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब राजनीतिक सत्ता केंद्रीय स्तर पे ना हो और आपस में ही जब सब लड़ भिड़ रहे हैं तो जनता की क्या स्थिति होगी। जनता भी भ्रमित थी, जनता की भी स्थिति अच्छी नहीं रही था। कर वसूली, लगान, इन तमाम तरह की चीजों से, ठीक है, जनता बहुत परेशान थी। आप देखें तो आदिकालीन जो राजनीतिक परिस्थिति थी वह जनता के लिए, वहां उस समय के समाज के लिए त्रासद थी, दुखद थी और किसी भी तरह से सत्ता के संगठन का या सत्ता की एकता जो होती है, जो ताकत होती है, वह सामने दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि सब आपस में ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थितियों में इस तरह की अराजकता से जनता की त्रस्त थी और जनता भी दुखी। स्पष्ट है, लिख लेंगे इसको। चलो, राजनीतिक परिस्थिति के बाद हम आते हैं धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति भी बहुत अराजक थी, यानी कि बहुत अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित होने का कारण था कि उस समय में वैदिक और पौराणिक धर्म जो परंपरा से चले आ रहे थे, हमारे सांस्कृतिक प्रवाह में जो चले आ रहे थे वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म, उनके साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साथ ही साथ कुछ पंथ सक्रिय हो गए, सिद्ध पंथ, नाथ पंथ,
वैष्णव शैव मतावलंबी, ठीक है, इस्लाम का भी प्रभाव अंतिम में जाके आपको देखने को मिलता है। तो तमाम तरह के धर्म और मत आगे बढ़ने की चक्कर में, यानी कि उस धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उसके जो अनुयायी थे, उस धर्म को आगे बढ़ा रहे थे और आपस में एक होड़ सी मची थी, आपस में एक संघर्ष सा मचा था। जैसे 100 मीटर का रेस होता है तो बड़े सारे धावक भागते हैं ना, तो एक दृश्य आपको दिखाई देता है कि भाग रहे हैं और किसी एक को आगे बढ़ना है और फर्स्ट करना है, सेकंड करना है। आप वही दृश्य देखें कि तमाम तरह के जो धर्म थे, उस धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे, वो आपस में ही अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने में संघर्षरत थे और उनमें एक होड़ मची हुई थी। इस कारण से जनता दिग्भ्रमित थी, जनता को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, यानी कि भ्रम की स्थिति जनता के सामने पैदा हो गई थी, क्योंकि तमाम सारे धर्म, तमाम सारे मत जो थे वो संघर्षरत नजर आ रहे थे एक दूसरे से। तो ऐसी स्थिति में एकजुटता नहीं होने का, जनता भ्रम की स्थिति में थी, और जब जनता भ्रम की स्थिति में होगी तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकता का ह्रास होगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये थी धार्मिक स्थिति, ठीक है, आई बात समझ में? ज्यादा नहीं लिखना है, तीन तीन चार चार पॉइंट आपको उसमें ध्यान में लिखना है। तो कुल मिलाकर आप कहें तो धार्मिक स्थिति भी आदिकाल की अराजक थी, अव्यवस्थित थी, और उस स्थिति के कारण जनता जो थी उस समय की, वह भ्रम की स्थिति में थी, दिग्भ्रमित थी, उन्हें कोई सीधा और स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आई बात समझ में? इसके बाद तीसरी जो स्थिति है वह है सामाजिक, सामाजिक परिस्थिति। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति का और धर्म का समाज पे कितना गहरा प्रभाव है, ठीक है। जैसे राजनीति होती है उसका पूरा असर समाज पर होता है, क्योंकि सत्ता और शासन की नीतियों का प्रभाव तो समाज पे पड़ता है ना। जिस तरह के का जो धार्मिक संस्कार होता है समाज का, उसका भी प्रभाव समाज पे पड़ता ही पड़ता है। तो आप देखें कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित थी, अराजक थी, धार्मिक स्थिति में भी बहुत सारे धर्म एक दूसरे से संघर्ष मचा रहे थे, होड़ मचा रहे थे, तो जाहिर सी बात है सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। लगातार आपसी युद्धों के कारण, जो राजाओं में आपसी युद्ध हो रहा था, उस कारण जनता में बहुत निराशा का भाव था। साथ ही साथ नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता था, उसके जो सामाजिक अधिकार थे वह बहुत नियंत्रित या बहुत सीमित थे। वंश की उच्चता या शुद्धता में नारी का बड़ा महत्व माना जाता था। वो कुल मिलाकर जो समाज था उसने स्त्रियों को उनके अधिकारों से तो वंचित रखा ही, कहीं ना कहीं उसको एक वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल किया, यानी कि नारियों की स्थिति बहुत शंसनीय नहीं थी, और उनको, नारियों को क्रय विक्रय की वस्तु समझा जाता था, खरीद फरोख्त। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय सामाजिक स्थिति होती थी, ठीक है। राजाओं पर लिखे गए जो काव्यों के विषय होते थे कवियों द्वारा, उसमें भी यह विषय होता था। राजा जाता है, किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है और वहां की जमीन वो अपने अधिकार में ले लेता है, वहां की स्त्रियों को अपने साथ लेकर के आता है, तो ये सारे विषय उस दौर के कवियों ने लिखे, बयां किया, क्योंकि ये सारी चीजें उस दौर में हो रही थी। भूमि और नारी का जो हरण था वह राजाओं पर लिखे गए काव्य के महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, क्योंकि युद्ध भी इसलिए होता था। कहा गया कि जाही की बिटिया कवारी देखे ताही घर जाही धरे तलवार, पता चला कि कोई राजकुमारी बहुत सुंदर है तो निकल पड़े युद्ध के लिए। तो युद्ध का विषय भी ये हुआ करता था कि किसी स्त्री और राजकुमारी के लिए राजा दूसरे राजा पर क्या कर देता था, आक्रमण कर देता था। इस काल में आवागमन यानी कि यातायात के जो साधन थे वो आज की तरह एडवांस या विकसित नहीं थे, तो इसका प्रभाव यह देखने को मिलता है कि जो विशाल क्षेत्र है या उस विशाल क्षेत्र में जो साहित्य रचा गया, उसमें उस साहित्य में वहां की बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। बोलियों का प्रभाव क्या है, उस विशाल साहित्य में भाषागत भिन्नता, ठीक है ना, और क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है।
इस कारण आप कह सकते हैं कि आदिकाल का साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। तो ये हो गई सामाजिक स्थिति जो बहुत दयनीय थी एक तरह से, ठीक है। और फिर अंत में सांस्कृतिक स्थिति। आदिकाल की जो संस्कृति है वो लगभग दो संस्कृतियों के ह्रास विकास संघर्ष की एक तरह से आप गाथा कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय में चित्रकला मूर्तिकला स्थापत्य कला इत्यादि का बहुत विकास हुआ, लेकिन आदिकाल ने जब अपनी विरासत सांस्कृतिक विरासत भक्ति काल को सौंपी तो इसका बहुत ह्रास हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण से बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मुसलमान स्थापित हो चुके थे, उस समय तक इस्लाम का आगमन हो चुका था और बहुत ह्रास हुआ एक तरह से भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका बहुत ह्रास हुआ। और आदिकाल में जो स्थापत्य के नमूने जो देखने को मिलते हैं, जगन्नाथपुरी खजुराहो का मंदिर कांजी तंजौर आदि अनेक जो स्थापत्य के नमूने हैं, ठीक है, वो आदिकाल के समय में देखने को हर्षवर्धन के समय में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस दिशा में लगातार गिरावट आती गई और लगातार ह्रास देखने को मिलता है, ठीक है। और मैंने कहा ही कि जब आदिकाल ने अपनी सांस्कृतिक विरासत भक्ति काल को सौंपी तो बहुत कुछ पतन में जा चुका था, क्योंकि उस समय तक इस्लाम लगातार आक्रमण कर रहे थे, स्थापित हो रहे थे और हिंदू देव मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था और स्थापत्य की बहुत सारी जो चीजें हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक किसी भी तरह से संतोषप्रद दिखाई नहीं देती हैं, और ऐसी परिस्थिति में जनता का दिग्भ्रमित होना, जनता का त्रस्त होना, जनता का पीड़ित होना और विशेष तौर पर नारियों का, जिनको कि भोग्य की वस्तु क्रय विक्रय की वस्तु समझा जाता था, जिनके लिए युद्ध होते थे, तो कुल मिलाकर यह जो स्थिति थी वह संतोषप्रद नहीं थी, ठीक है। और इसका सारा रूप, ये जो परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों का रूप आदिकालीन साहित्य में और आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में।